योगा टेक की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो पीपल, नमस्कार। मैं हूं गरिमा भंडारी। योगा टेक पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम करेंगे एक ऐसा आसना जिसको कि ट्रेडिशनल टेक्स्ट में डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल डिजीजेस भी कहा जाता है, यानी कि सभी बीमारियों को नष्ट करने वाला एक ऐसा आसन जिसका कि नाम है मत्स्य आसन, यानी कि फिश पोस्चर। इसके बहुत सारे थेरेपेटिक बेनिफिट्स हैं हमारे बॉडी पे, हमारे माइंड पे, और इसको ट्रेडिशनली हम सर्वांगासना यानी कि शोल्डर स्टैंड पोस्चर का काउंटर पोस्चर की तरह प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि उसके बाद किया जाता है, जिससे कि आपके बैक में अगर किसी भी तरह का स्ट्रेन आया है तो ये उसको काउंटर रिलीव करता है। मत्स्य आसना के बहुत सारे थेरेपेटिक बेनिफिट्स हैं हमारे बॉडी और हमारे माइंड पे, इंसोम्निया, फटीग, माइल्ड बैक पेन, या फिर हमें किसी भी तरह की क्रोनिक एलर्जीज हैं, और या फिर अगर मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स हमें ज़्यादा रहते हैं, किसी भी तरह के जो एवरी डे टू डे हमारी एलर्जीज या प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ये काफ़ी रिलीव करता है। एज आई सेड कि डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल डिजीजेज इसको कहते हैं। बिगिनर्स इस पोस्चर को लेग्स स्ट्रेट करके भी कर सकते हैं, जबकि ट्रेडिशनली हम इसको पद्मासना में प्रैक्टिस करते हैं, बट पद्मासना फॉर बिगिनर्स इज़ अ लिटिल चैलेंजिंग पोस्चर। तो अभी हम देखते हैं सीधा कि कैसे करेंगे मत्स्य आसना यानी कि फिश पोज। फिश पोज करने के लिए आप इस तरह से अपने मैट पर लेग स्ट्रेट करके लेट जाएं, अपनी बैक को स्ट्रेट रखें, और सीधे लेटने के बाद आप अपने हैंड्स के सपोर्ट से अपने हिप्स को इस तरह से ऊपर की ओर लिफ्ट करें, अपने पेल्विक को थोड़ा सा टिल्ट करें, एंड उसके बाद आप अपने हैंड्स को इस तरह से शोल्डर्स के नीचे प्लेस करके अपने हेड को और अपनी बैक को इस तरह से रेज करें, एंड अपने दोनों शोल्डर्स को एक दूसरे की तरफ इस तरह से ड्रॉ करें, एंड अपने हैंड्स से, अपनी एल्बोज से फ्लोर को एक्टिवली नीचे की तरफ पुश करें, अपने टोज को बाहर की तरफ पॉइंटेड रखें, एंड पूरे बैक में एक डीप स्ट्रेच को आप महसूस करें, नेक में, एंड आपकी अपर बैक और शोल्डर्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए भी एक काफ़ी एक्सेलेंट पोस्चर है। यहाँ पर आप 4 to 5 ब्रेथ्स के लिए स्टे करें। ये था बिगिनर फिश पोस्चर। वंस आप इस तरह के पोस्चर में कंफर्टेबल हैं, सो आई सजेस्ट आप अपने पोस्चर को डीपन करें बाय टेकिंग योर लेग्स इनटू पद्मासना। इस तरह से अपने लेग्स को फुल पद्मासना में लेकर आएं, एंड वंस अगेन अपने हैंड्स से अपने हिप्स को एडजस्ट करें, एंड अपने हैंड्स की हेल्प से अपने हेड को इस तरह से रेज करें, एंड दिस टाइम अपने हैंड से आप अपने बिग टोज को ग्रैब करें, एंड वंस अगेन शोल्डर्स को एक दूसरे की तरफ ड्रॉ करें, जिससे कि आपकी अपर बैक में एक डीप स्ट्रेच होगा, एंड सिंपली ब्रीथ करें। फाइव ब्रेथ्स के बाद आप धीरे धीरे अपने लेग्स को ओपन करें, एंड अपर बैक को इस तरह से रिलैक्स करें, एंड पोस्चर से एग्जिट करने के लिए अपने लेफ्ट साइड में टर्न करके धीरे धीरे अपने सेंटर पर इस तरह से रिटर्न करें। एज आई सेड, ये पोस्चर एक ऑल इन ऑल कंप्लीट पोस्चर है, आपकी पूरी बॉडी को ओपन अप करता है,
थेरेपेटिक बेनिफिट्स हैं इसके बहुत सारे, एब्डोमिनल फैट को भी ये कम करता है, बट सबसे इम्पॉर्टेंट इसका बेनिफिट ये है कि जो कॉमन एलर्जीज हैं जिसको कि हम प्रोन होते हैं, स्पेशली सीजनल चेंज के साथ, वेदर चेंजेस के साथ, मानसून में हमें कुछ अलग एलर्जी हो जाती है, विंटर्स में कोल्ड फ्लू और इस तरह के कॉफ जैसी सिम्टम्स हमें काफ़ी होते हैं, तो उन सब को ये रिलीव करता है एंड ओवरऑल हमारे बॉडी की जो फाइट मैकेनिज्म होता है, आई वुड से टू फाइट अगेंस्ट द डिजीजेस, उसकी ये फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करता है। तो ये था मत्स्य आसना, और ऐसे और बहुत सारे बेनिफिशियल योगा आसनास देखने के लिए आप आज ही योगा तक को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसे शेयर करें। थैंक यू।